कुल्लू जिला के बंजार उपमंडल के चकूरठा पंचायत के काउधार में एक मकान में आग लगी। आग के बीच एक व्यक्ति जिंदा जल गया। घटना की सूचना मिलते ही बंजार प्रशासन के अलावा पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने आग की घटना को लेकर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। घटना में लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। आग वीरवार दोपहर बाद करीब एक बजे के आसपास हुए हादसे में दो कमरों का डेढ़ मंजिला मकान दिन दिहाड़े धूं धूं कर जल उठा और आसपास के गांवों के लोगों में अफरा तफरी मच गई। घर में धुआं उठते देख आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया था। इस बीच चुनीलाल घर से बाहर निकलने में सफल नहीं हो पाया। आग पर ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से काबू पाया। मकान का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई लेकिन तब तक व्यक्ति जिंदा जल चुका था। आग में व्यक्ति के जिंदा जलने से पूरी घाटी में मातम का माहौल है। चकूरठा पंचायत की प्रधान ममता देवी, स्थानीय निवासी रोशनलाल हुक्मराम राम सिंह तथा सोहन लाल ने बताया कि डेढ़ मंजिला मकान की निचली मंजिल में 55 वर्षीय चुनीलाल पुत्र किशन चंद रहता था। बताया जा रहा है कि इस दौरान वह खाना बना रहा था। एसटीएम बंजार अपूर्व देवगन ने बताया कि नायब तहसीलदार बंजार फील्ड कानगो पटवारी व पुलिस दल को मौके के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने पर मृतक व्यक्ति के परिजनों को नियमावली के तहत मुआवजा दिया जाएगा।